दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के स्वर्ण जयंती साप्ताहिक समारोह के अवसर पर एक विशिष्ट व्याख्यान माला का आयोजन महाविद्यालय के सभागार में किया गया। इस मौके पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर राज शरण शाही, प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा सहित अन्य शिक्षक व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस अवसर पर वक्ताओं ने नाथ पंथ श्री गोरखपीठ और सामाजिक समरसता विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, उस नाम में ही हमारे जीवन की पूरी सत्ता ही देता है। संत मानसरोवर है, हंस तैर रहे हैं, लोग हंस तैरते हैं, संत को भी अहर्निश उसी की उसकी दशा, उसके उसके तेज, उसके ओज, उसकी प्रातः मध्यान गतिया उस ऋषि का एक ही लक्ष्य है। एक दिन संध्या के समय ऋषि अन्यमनस्क हो गए, शांत बैठे। ऋषि पत्नी पूछती है, ऋषि क्या हो गया आपको, अभी तक कभी आपका संध्या में विघ्न नहीं पड़ा, सूर्यास्त होने वाला है, आप संध्या कब करेंगे, आपके जीवन का पथ टूट जाएगा, आप तो सूर्य उपासक हैं। ऋषि कहते हैं, एक बात सुनते हैं, दो बात सुनते हैं, फिर कहते क्या कहा तुमने, सूर्य अस्त हो जाएगा, मेरी संध्या बाधित हो जाएगी, इस सूर्य की ऐसी हिम्मत जो मेरा बिना मेरी संध्या के डूब जाए, अस्त हो जाए। और वो निकल पड़ते हैं, एक लंबा आख्यान है उनके जीवन। और ऐसे ऋषियों के साक्षात्कार के आधार पर हमने द्वादशा देते 12 सूर्य की परिकल्पना हमारे ऋषियों में, अभी तक हमने एक ही को देखा है। अभी 11 के मंदिर है देश पर, उनको जानना है ज्ञान को। ऐसी योग परंपरा, ऐसी संत परंपरा, ऐसी ऋषि परंपरा हमारी खाती में मिली है, इस खाती के हम संवाहक। अगर इस आचार्य कुल में हम आए हैं, महाविद्यालयों के हम अध्यक्ष हैं, पटक हैं, तो हमारा सौभाग्य है कि हमको उस पूरी परंपरा के साथ दीक्षित होने का, शिक्षित होने का, जीवन के लक्ष्य को जानने का, जीव जगत की सत्ता के बोध का हमको अवसर मिला है। इसलिए मैं अपने साथ आप सबको इस बड़े महाउद्देश्य के लिए हमेशा आह्वान करता रहूंगा कि आप इस भावधारा को समझें, इस नाथ पंथ को समझें, गोरखपीठ को समझें, और उसके नहीं उद्देश्य सामाजिक समरसता के भाव को समझेंगे तो शायद हमारी शिक्षा भी सार्थक होगी, वो भी सार्थक हो जाएगी, हमारा जीवन भी सार्थक होगा। महाविद्यालय 50 वर्ष अपने पूरा किया है। 25 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी और 25 अगस्त 2019 को इसके 50 साल पूरे हुए। ऐसे में महाविद्यालय परिवार ने निर्णय लिया कि हम स्वर्ण जयंती साप्ताहिक समारोह करेंगे, तो कल उसका 25 तारीख को उद्घाटन समारोह था और आज से 26 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक निरंतर दो पालियों में दो तरह के कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं। प्रथम सत्र 11 बजे से चल रहा है, जिसमें महाविद्यालयीय स्तर पर, अंतर महाविद्यालयीय स्तर पर आज रंगोली प्रतियोगिता हुई है, कल भाषण प्रतियोगिता है, निबंध प्रतियोगिता उसके बाद है, फिर आशुभाषण प्रतियोगिता है और उसके बाद 30 तारीख को लोकगीत गायन प्रतियोगिता है। ये प्रथम सत्र के कार्यक्रम हैं। द्वितीय सत्र में निरंतर आज से ये प्रारंभ हुआ है व्याख्यानमाला कार्यक्रम, जिसमें कुल 5 विषय रखे गए हैं और इन 5 विषयों में जो आज जिस पर वाचन हो रहा है वो है नाथ पंथ, गोरखपीठ और सामाजिक समरसता। कल पर्यावरण व सतत विकास, इस पर राजर्ष टंडन ओपन यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर के.एन. सिंह जी का व्याख्यान होगा।
इसी तरह 28 को 29 को और 30 को भी अलग अलग विषयों पर व्याख्यान आयोजित किया गया है। 30 तारीख को दो विशिष्ट कार्यक्रम इसमें रखा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 पर हमारी एक परिचर्चा, यह 30 तारीख को प्रातः 10:30 बजे से प्रारंभ होगी संवाद कक्ष में, और नाथ पंथ के जो पद हैं उनके गायकी का वर्कशॉप चल रहा है 13 अगस्त से, डॉक्टर शरदमणि त्रिपाठी जी उसका निर्देशन कर रहे हैं, और उसमें विभिन्न महाविद्यालयों के विश्वविद्यालय के लगभग 46 प्रतिभागी प्रशिक्षित हो रहे हैं, तो उनकी प्रस्तुति 30 तारीख को होगी नाथ पंथ के पदों के गायकी की। तो इस प्रकार से प्रातः और अपराह्न सत्र में ये अन्य कार्यक्रम चल रहे होंगे, लेकिन उसके साथ साथ यह दो कार्यक्रम प्लस करेगा। 31 तारीख को इसका समापन समारोह 11:30 बजे से सभागार में होगा, जिसमें प्रोफेसर डीपी सिंह यूजीसी के चेयरमैन मुख्य अतिथि होंगे, और पूज्य महाराज जी जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो उसकी अध्यक्षता करेंगे। और उस अवसर पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा गोरखनाथ साहित्यिक केंद्र की जो स्थापना महाविद्यालय के सहयोग से की गई है उसका लोकार्पण होगा, और महाविद्यालय द्वारा प्रकाशित बौद्धकालीन शिक्षा की वर्तमान प्रासंगिकता इस पुस्तक का विमोचन भी होगा, और महाविद्यालय की दो पत्रिकाएं, एक अरावली जो वार्षिक पत्रिका है और एक स्मारिका जो स्वर्ण जयंती को ध्यान में रख करके यादों के झरोखों से जिन बातों को हम लोगों ने लिया है उसको, इन दोनों का विमोचन होगा। तो यह विमोचन का भी कार्यक्रम होगा, लोकार्पण का भी होगा और समापन का भी होगा इस प्रकार से। और खेल कूद में हम लोगों ने बैडमिंटन प्रतियोगिता, दिग्विजयनाथ स्मृति बैडमिंटन प्रतियोगिता 27, 28, 29 को अपने बैडमिंटन ग्राउंड पर लिया है, ये भी अंतर महाविद्यालयी स्तर पर आयोजित हो रहा है। हाँ, ये सारे पुरस्कार वितरण के लिए तिथि अभी हम तय नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमारा इरादा है कि हम 31 तारीख को ये सारे प्रतिभागियों को प्रतिभागिता का प्रमाण पत्र और जो पुरस्कृत होंगे उनका पुरस्कार उसी दिन हम देने का प्रयास करेंगे। इसके लिए कल हमारी मीटिंग है आयोजन समिति की, जिसमें यह निर्णय ले लिया जाएगा। पर जो महाविद्यालय के द्वारा किया गया कुल 28 प्रदर्शनी विभिन्न विभागों के द्वारा, जो हमारा महंत अवैधनाथ स्मृति सभागार है उसमें प्रदर्शित किया गया है, जिसमें महाविद्यालय का जो गणित वर्ग है विज्ञान का वो प्रथम स्थान पाया है, और जो वाणिज्य विभाग है वो द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। शेष रक्षा अध्ययन, समाजशास्त्र, बीएड और बीएससी बायो, ये विभाग प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए चुने गए। कुल 28 मॉडल उस प्रदर्शनी में लगे हैं, जो सामाजिक सरोकार के भी हैं, वैज्ञानिक सोच के भी हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के भी हैं, विविध विषयों को लिया है हमारे विद्यार्थियों ने।